हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल केमिस्ट्री। और जो मेरी कार्बोनिल केमिस्ट्री ये जो सोर्स है पढ़ाने का, वो सारा का सारा क्लेडन है। ठीक है, क्लेडन के अलावा मैंने कोई कार्बोनिल केमिस्ट्री के लिए बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ क्लेडन को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कार्बोनिल केमिस्ट्री के 5-6 चैप्टर दिए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 6, उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, उसके बाद है चैप्टर नंबर 20, उसके बाद है चैप्टर नंबर 25, उसके बाद है चैप्टर नंबर 26। इनके अंदर क्या गया दिया गया है, देखो इनके अंदर बेसिक रिएक्शंस है कार्बोनिल की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनोलेट फॉर्मेशन है, इनोलेट फॉर्म कैसे करना है। इसके बाद चैप्टर 25 में इनोलेट की रिएक्शंस दी गई हैं किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। 26 चैप्टर में दी गई हैं इनोलेट की रिएक्शन किसके साथ, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, R1 R2 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले मैं सिलेबस लिख देता हूँ क्या है चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कौन कौन से, कीटोन एंड एल्डिहाइड विद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइनाइड के साथ रिएक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे BH4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में रिएक्शन विद बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल इसके बारे में। ठीक है, बुक के अंदर ये शुरू में ही दिया गया है, लेकिन मैं इसको लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्लीट बुक पढ़ी है तो मुझे पता है कहाँ पे क्या कराना चाहिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके मैं कराऊंगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास रिएक्शन विद साइनाइड। देखो साइनाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है कार्बोनिल कंपाउंड। सपोज ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया NaCN, NaCN H2SO4 और वाटर मीडियम। तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है CN, थोड़े से इंक डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बनता है। ये वाला इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन हुई कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड था। ठीक है, इसके अंदर ये जो CN नेगेटिव था हमारे पास, NaCN के अंदर CN नेगेटिव है, इसने यहाँ पे अटैक किया कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ये बॉन्ड ऊपर गया, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो ये हमारे पास बना ओ नेगेटिव, और फिर सॉल्यूशन से एच पॉजिटिव लेकर के ये कंपाउंड क्या बन गया, ये वाला बन गया। तो देखो इस स्टेप स्टेप दो स्टेप हैं इस रिएक्शन के अंदर। स्टेप वन क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल ग्रुप, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है इस रिएक्शन का, तो सेकंड स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एनायन जनरेटेड। तो इन टू स्टेप में ये रिएक्शन होती है, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले साइनाइड अटैक करता है, एडिशन होती है, उसके बाद ये जो एनायन बना है ये एच पॉजिटिव लेके सॉल्यूशन से क्या बन जाता है, OH बन जाता है। तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन।
तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक होगा, इस तरह से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये सी एन नेगेटिव। बॉन्ड बनाते ही इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को दे देगा, ओ नेगेटिव बनेगा। फिर ये सोल्यूशन से एच पॉजिटिव लेके ओ एच बन जाएगा। अब और एग्जाम्पल देखते हैं जो बुक के अंदर दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल बुक के अंदर ये भी दिया गया है इस तरह का, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे भी NaCN हमने ऐड किया वाटर के अंदर, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे CN आ जाएगा और OH आ जाएगा, साइनो हाइड्रिन। एक और एग्जाम्पल दिया है बुक के अंदर, देखो इस तरह का, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे OPH लगा है। यहाँ पे भी सेम NaCN, एच पॉजिटिव, वाटर ऐड किया है, थोड़ा सा एसिड भी ऐड कर सकते हैं रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, तो देखो क्या बनेगा। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, साइनो हाइड्रिन बनेगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुई हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले देखो कैसे होगी, इस पूरे ग्रुप को मैं AR लिख देता हूँ। ये था हमारे पास, सबसे पहले CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो एडिशन हो गई किसकी, CN की, साइनाइड की एडिशन हो गई इस तरह से। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये सॉल्यूशन से एच पॉजिटिव लेकर के क्या बन जाता है, OH बन जाता है। तो ये मैकेनिज्म है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का, इसको बोलते हैं कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन। दूसरी चीज देखो, ये तो हमने पढ़ा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के बारे में, अब दूसरी चीज है कि साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिवर्सिबल होती है। जो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि जो आपका साइनोहाइड्रिन बना है, ये जो साइनोहाइड्रिन हमने बना लिया, इसको हम फिर से कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर बदल सकते हैं। अगर हम सिंपली इसके अंदर वाटर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे CN नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ थोड़ा सा बेस भी ऐड कर देते हो, देखो मैं लिख देता हूँ सिंपली डिजोल्विंग इन वाटर गिव बैक CO ग्रुप एंड इफ स्लाइट बेस इज एडेड देन साइनोहाइड्रिन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड बैक टू कार्बोनिल कंपाउंड। ये आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बुक की चीज़ें सारी की सारी बोल रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ लिख सकते हो कॉपी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो स्लाइट अमाउंट ऑफ बेस क्या करता है इसको, अगर वाटर, मैंने क्या बोला कि वाटर ऐड करते हैं तो बदल ही जाता है, ये हमारे पास साइनोहाइड्रिन है, इसके अंदर वाटर अगर हम ऐड करते हैं तो बदल जाता, थोड़ा सा बेस भी अगर हम ऐड कर दें तो कंप्लीटली ये कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो हमने बेस ऐड किया, सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास OH ग्रुप है और OH ग्रुप एसिडिक होता है, हमें पता है 11th 12th की बात है, तो OH नेगेटिव जो बेस है सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ओ नेगेटिव, तो देखो ओ नेगेटिव बना। अब क्या होता है, ये ओ नेगेटिव वापस यहाँ नीचे बॉन्ड बनाता है और ये CN यहाँ से निकल जाता है, तो देखो क्या बन जाएगा, फिर से ये बन जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और CN यहाँ से निकल जाएगा, तो वापस से हमारा क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। अब देखो अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वाटर के अंदर ही तो हम रिएक्शन करा रहे थे पहले, पहले पीछे जाके देखो हमने क्या लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा NaCN वाटर, वाटर के अंदर ही हम रिएक्शन करा रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि वाटर अगर ऐड कर दे तो ये रिएक्शन वापस चली जाती है, तो यहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट है ही,
तो ये वापस भी जारी होगी रिएक्शन, बिल्कुल। तो ये रिएक्शन क्या रहती है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, इस तरह से आगे भी जारी होती है पीछे भी जारी होती है वाटर के अंदर ही, ठीक है। उल्टा लिख गए हम, कोई बात नहीं, रिएजेंट्स चेंज कर देते हैं। देखो अगर आपको इस डायरेक्शन में आना है तो नीचे वाला एरर NaCNH2, उस डायरेक्शन में जाना तो सिर्फ वाटर की नीड है, वाटर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, जो कि होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाई रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये के फॉरवर्ड है हमारे पास, साइनोहाइड्रिन बनने के लिए ये के फॉरवर्ड है हमारे पास, ये क्या है के बैकवर्ड है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं NaCN वाटर तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनोहाइड्रिन के अंदर, इसके अंदर, और वाटर के प्रेजेंस में ही वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम होता है के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी फास्ट जा रही है रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी फास्ट जा रही है रिएक्शन। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड्स। क्यों होते हैं, देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके अंदर यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल है, 120 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कीटोन ले लेता हूँ, यहाँ पे भी कितना एंगल है, 120 डिग्री का। जब साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगी तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 109 डिग्री का। यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 109 डिग्री का। तो देखो कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे सारे अल्काइल ग्रुप हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल है इस कंपाउंड से। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जब साइनाइड आके अटैक करेगा तो यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, दो आर ग्रुप है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है, सिर्फ एक ही आर ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है जिसका अमाउंट बहुत स्मॉल होता है। अगर दोनों ही हाइड्रोजन हो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाती है, बिल्कुल ही स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, इसीलिए जो एल्डिहाइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स से, तो उनका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है, ये फॉर्मेशन का जो कॉन्स्टेंट है वो भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, जैसे PHCH जो है और एक हमारे पास कीटोन है, तो इसके लिए जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आती है वो आती है 212 और इसके लिए आती है 28। तो देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलमोस्ट 7 टाइम्स है, 6 to 7 टाइम्स। तो जो ये है हमारे पास एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कीटोन से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि ये फ़ोन जो है गर्म हो जाता है बार बार, 3-4 बार मेरी वीडियो ख़त्म हो गई, अपने आप ही डिलीट हो गई, क्योंकि फ़ोन गर्म हो गया और स्क्रीन ऑफ हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाता हूँ मैं, 15 मिनट्स की ही रखूँगा वीडियो को नॉर्मली। अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट है, कोई सुजेशन है मेरे लिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।